आज से एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो को लगभग 10 मिलियन प्लस लोगों ने देख रखी है। और इसी वीडियो से इंस्पायर होकर एक भाई ने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्ची कहानी शेयर की है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखना, क्या पता ये कहानी आपकी ज़िंदगी से भी रिलेट करती हो। तो उस भाई का कहना है कि 2014 की बात है, मैं 10th तक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। 10th में 94% लाकर मैंने अपने स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में टॉप किया था। और फिर 11th के लिए मैं पुणे चला गया। घर वाले जानते थे कि बेटा तो होशियार है, पढ़ाई करेगा ही करेगा। लेकिन पुणे में मुझे स्टार्टिंग में बहुत बोर हो रहा था क्योंकि पहली बार घर से बाहर आया हुआ था। रूममेट्स के साथ फिर इधर उधर घूमने जाता। और फिर एक दिन एक सीनियर ने मुझे फोन की एक वीडियो दिखा दी। मुझे लगा चलो ये अच्छा तरीका है मन बहलाने का। फिर मुझे पोर्न की ऐसी लत लगी कि मैं अपनी क्लासेस छोड़कर पोर्न देखता था। सारे दोस्त बाहर घूमने जाते लेकिन मैं अकेला बैठकर पोर्न वीडियो देखता था। और फिर मुझे मज़ा आने लगा और मैं पढ़ाई से दूर जाने लगा। मैंने एक दिन भी कॉलेज नहीं किया, बस एग्ज़ाम के लिए गया। तो कॉलेज वालों ने बहुत सुनाई पर 11th था तो जैसे तैसे करके पास करा दिया गया। घर वालों को मैंने रिजल्ट नहीं बताया। इतना होने पर भी मेरी लत नहीं छूटी और फिर मैं ज़्यादा ही अंदर चला गया। 12th हमारी लाइफ की टर्निंग पॉइंट होता है पर मैंने जरा भी सीरियसली नहीं लिया। इधर कॉलेज और ट्यूशन से घर वालों को फोन्स और लेटर जाने लगे। घर वाले भी टेंशन में आ गए, इतना अच्छा था अब ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं नहीं सुधरा और चाह कर भी इस लत को छोड़ नहीं पा रहा था। 12th एग्जाम भी आ गए, पापा ने कॉलेज में आकर टीचर से रिक्वेस्ट की और जैसे तैसे मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठने दिया गया। जब मेरा रिजल्ट आया तब सभी लोग अचंभित थे। मुझे 12th में 44% आए थे और 10th में 94% से सीधा 44%। फिर भी मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि ये सब हस्त मैथुन और पौन की वजह से हुआ है। फिर अपने ही टाउन के कॉलेज में बीकॉम के लिए एडमिशन लिया पर मुझे तो अब लत लग चुकी थी। मैं उधर भी अच्छा नहीं कर पाया, हर दिन बैठकर पौन देखता था और गंदे काम करता था। बीकॉम फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। जो लड़का 10th में MBBS या फिर IIT करने का ड्रीम देखता था वो बीकॉम के फर्स्ट ईयर भी नहीं निकाल पाया। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो हो गया था। फिर मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से BA में एडमिशन लिया। इधर घर वाले मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं थे और करते भी क्यों, मैंने उनका नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया था। और फिर मुझे डिस्टेंस एजुकेशन में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था। मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया था तो उसकी बुक्स पढ़ने में मज़ा आने लगा और मैंने धीरे धीरे पोर्न देखना कम कर दिया। पर मैं अपनी उम्र से बड़ा दिखने लगा, डार्क सर्किल आ गए थे, बाल झंडे लग गए थे। पर जैसे तैसे मैंने बुक्स में इंटरेस्ट लिया, पोर्न देखना कम होता गया और साथ में हस्त मैथुन की लत छूटने लगी। और फिर मैंने अपने आप को याद दिलाना शुरू किया कि तू एक वक्त पूरे जिले का टॉपर था। मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था। और फिर मैंने MPSC की तैयारी शुरू किया। एक दो बार फेल हुआ लेकिन एक बार सब इंस्पेक्टर का और दो बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। अब मेरी लत पूरी तरह से छूट चुकी है और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ।